हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे कुकर में केक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिस्किट लिए हुए हैं, एक तो चॉकलेटी फ्लेवर है, दूसरे सादे बिस्किट मैंने लिए हुए हैं। आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पर मैंने दोनों का पाउडर बना लिया था, एक का मैंने घोल बना लिया है, दूसरा का भी घोल। यहाँ पर मैंने एक कप दूध लिया था जिसमें दोनों में हाफ हाफ दूध मैंने डाला है, दोनों का घोल बना लिया है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया हुआ है जिसमें हाफ हाफ दोनों में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है बेकिंग सोडा को। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर जो मैंने घोल बना के रखा हुआ था बाउल में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पहले बिना चॉकलेट वाला डाला है, अब चॉकलेट वाला डाल देंगे घोल। यहाँ पर मैंने बाउल में घोल को डाल लिया है, दोनों घोल को। अब मैंने यहाँ पर गैस पर कुकर रख दिया है, उसमें एक गिलास पानी डाल दिया है, इसमें बाउल रख देंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको कम से कम 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और केक हमारा बन गया है। और अब इसको हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, केक हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को काट के भी दिखाते हैं केक को, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम बढ़िया मुलायम केक बना हुआ है मेरा।